प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रदेश की सबसे पुराने पानीपत चीनी मिल के 68वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 3 साल से नई जगह और आधुनिक मशीनरी के साथ चल रही पानीपत चीनी मिल ने अच्छे दिन बहुत कम देखे हैं, क्योंकि ज्यादातर सालों में मिल घाटे में चली है। प्रदेश की सबसे पुरानी दो मिलों में से एक पानीपत शुगर मिल के 68वें पेराई सत्र का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। 1958 में शुरू हुई पानीपत चीनी मिल ने अच्छे दिन कम ही देखे हैं, क्योंकि मिल ज्यादातर सालों में घाटे में रही है। हर बार की तरह इस साल भी डहर स्थित नई चीनी मिल में हवन यज्ञ के साथ पेराई सत्र की शुरुआत हुई। हवन यज्ञ में किसान और मिल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। यज्ञ में पूर्णाहुति विभाग के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दी। गौरतलब है कि हरियाणा में 1.5 दर्जन चीनी मिलें चल रही हैं। इनमें कोऑपरेटिव सेक्टर की 10 चीनी मिलें हैं, और ये भी सच है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर रोजगार ही नहीं दे रहे, बल्कि ये हमेशा से फायदे में भी चल रहे हैं। पर हरियाणा में स्थिति इसके विपरीत है, यानी प्रदेश के नए कोऑपरेटिव मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने खुद को साबित करने का मौका है। गौरतलब है कि पानीपत की नई चीनी मिल का उद्घाटन 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। करीब 400 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये चीनी मिल अभी तो कमाऊ पूत साबित नहीं हुई है, आगे राम जाने। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।